मंजू वर्मा, सह आचार्य, राजकीय कला महाविद्यालय सीकर। आज का अपना विषय है पुनर्जागरण एवं आधुनिक युग का प्रारंभ। पुनर्जागरण वह प्रवेश द्वार है जिसकी लंबी गैलरी में चलने के बाद हम विश्व के आधुनिक युग में पहुंच जाते हैं। यह एक उल्लेखनीय तथ्य है कि पुनर्जागरण कोई विशुद्ध यूरोपीय सृष्टि नहीं थी, वह वस्तुतः पूर्वी देशों की श्रेष्ठतर सभ्यताओं एवं उनके उदारवादी विचारों के संपर्क से उत्पन्न प्रेरक परिस्थितियों का परिणाम था। पुनर्जागरण काल वस्तुतः मध्यकाल एवं आधुनिक काल के मध्य का पुल या सेतु बंध है। पुनर्जागरण उस नवीन बौद्धिक मनस्थिति का प्रतीक है जो यूरोप को धीरे धीरे आधुनिकता के द्वार पर ले आई। पुनर्जागरण काल को सामान्यतः 14वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य से 16वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य तक अर्थात 1350 ईस्वी से 1550 ईस्वी के मध्य रखा जाता है। शाब्दिक दृष्टि से पुनर्जागरण का अर्थ है किसी पुरानी सुसुप्त ऐतिहासिक वस्तु का पुनः जाग जाना। यूरोप में उपयुक्त काल के लिए पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग प्रारंभ में इसलिए किया गया क्योंकि इस काल में लेखकों एवं चिंतकों ने प्राचीन यूनान एवं रोम की विद्याओं के अध्ययन में पुनः अपनी रुचि प्रदर्शित की एवं अपने नवीन चिंतन में उस काल के बहुत से प्रतीकों का इस्तेमाल किया। पुनर्जागरण के नेपथ्य में चल रही विचार लहरों ने आधुनिकता के अंतरिक्ष की बंद खिड़कियां खोल दी। इतिहासकार जे ई स्वेन के शब्दों में पुनर्जागरण एक समूहवाचक शब्द है जिसके अंतर्गत उन समस्त बौद्धिक परिवर्तनों को शामिल किया जाता है जो मध्यकाल के अंत में एवं आधुनिक काल के प्रारंभ में दिखाई देते हैं। इतिहासकार डेविस के अनुसार पुनर्जागरण शब्द मनुष्य के स्वतंत्रता प्रिय एवं साहसिक विचार के जन्म का प्रतीक है। यह विचार मध्यकाल में धार्मिक आधिपत्य की जकड़ एवं कारागार में था। इतिहासकार मेजेनिश और एप्पल के शब्दों में संसार का इतिहास यह एक नया युग जो पुनर्जागरण काल के नाम से प्रसिद्ध है एकाएक नहीं आया बल्कि यह एक लंबे समय के दौरान क्रमशः विकसित हुआ। परंतु इस तथ्य के कई प्रमाण थे पुनर्जागरण काल वास्तव में नया युग था। मैकलिस्ट नामक विद्वान का मत है कि पुनरुत्थान मानव द्वारा अपनी तथा विश्व की खोज है। संक्षेप में पुनरुत्थान व्यक्ति को मध्ययुगीन अंधविश्वासों रूढ़ियों तथा चर्च एवं धर्मशास्त्रों के बंधन से मुक्त करके स्वतंत्र चिंतन तथा अपने व्यक्तित्व का विकास करने का अवसर देने वाला तथा प्राचीन यूनानी एवं रोमन संस्कृति के आधार पर एक नई संस्कृति का निर्माण करने का प्रयास था। इसके मूल में परलोकवाद तथा धर्मवाद के स्थान पर मानवतावाद की भावना थी। इसे यूरोप के मध्य युग एवं आधुनिक युग को मिलाने वाला सेतु कहा जा सकता है। वास्तव में यह यूरोपीय इतिहास की एक महान युगांतकारी घटना थी जिसने आगे चलकर संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया और मानव सभ्यता एवं संस्कृति की प्रगति में अविस्मरणीय योगदान दिया। अगला बिंदु है पुनर्जागरण की विशेषताएं। पुनर्जागरण युग के तीन आधार स्तंभ हैं जो वस्तुतः आधुनिकता के भी आधारभूत तत्व हैं और किसी भी देश के इतिहास में आधुनिक काल का प्रारंभ वहां से माना जाता है जब इस प्रकार के तत्व वहां दिखाई देने लगते हैं। ये तीन आधार स्तंभ हैं मानववाद अर्थात मानवीय व्यक्तित्व के स्वतंत्र विकास की अनंत संभावनाओं में विश्वास, दूसरा बुद्धिवाद या विवेक प्रधान स्वतंत्र चिंतन एवं तीसरा वैज्ञानिक मनस्थिति अर्थात बिना सिद्धि या प्रमाण के भौतिक विश्व के किसी भी कार्यकरण संबंध को स्वीकार न करना। मध्यकाल में यूरोप के मनुष्य का चिंतन दो प्रकार के बंधनों से आक्रांत था।
प्रथम, चर्च एवं धर्माधिकारियों द्वारा प्रतिपादित विचारों एवं जीवन पद्धति को आंख मूंद कर स्वीकार करना पड़ता था, अन्यथा धर्मद्रोह की सजा भुगतनी पड़ती थी। दूसरा, सामंती मेयर प्रणाली में सामंतों एवं जागीरदारों पर आर्थिक दृष्टि से निर्भर होने के कारण उनकी स्वार्थमूलक रूढ़िवादी मानसिकता को स्वीकार करना पड़ता था, अन्यथा बेरोजगार होने का खतरा था। मध्यकाल में मनुष्य एक स्वतंत्र इकाई नहीं था, बल्कि वह धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक इकाइयों का एक अंग था या उपकरण मात्र था। इस सारी प्रक्रिया में सुसुप्त एवं बंदी बना रहा मनुष्य का विवेक, स्वाभिमान एवं स्वतंत्र चिंतन, पुनर्जागरण काल में मनुष्य अपने इन मौलिक अधिकारों के प्रति सचेत एवं सचेष्ट हुआ और उसे प्रेरणा मिली प्राचीन यूनान एवं रोम की संस्कृतियों से। संयोगवश इस काल में यूरोप एक ऐसी सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था जिसके कारण चर्च एवं सामंतों के नियंत्रण की रस्सियां ढीली हो रही थी। इसमें पहला है मानववाद, दूसरा बुद्धिवाद, तीसरा वैज्ञानिक मनस्थिति, चौथा आधारभूत आर्थिक परिवर्तन, इसमें सामंतवाद का हास, पांचवा है आधारभूत सामाजिक परिवर्तन, इसके अंतर्गत कस्बों एवं नगरों का उदय, छठा है आधारभूत राजनीतिक परिवर्तन, इसमें है बड़े राज्यों का उदय, सातवां है आधारभूत सांस्कृतिक परिवर्तन, इसमें है मानववादी कला एवं साहित्य। पहला बिंदु लेते हैं मानववाद। मानववाद ने व्यक्ति की जिजीविषा यानी जिज्ञासा को जागृत किया और उसके कर्मों एवं चिंतन को वर्तमान जीवन के लौकिक एवं भौतिक उत्कर्ष पर केंद्रित किया। पुनर्जागरण युग में मानववादियों ने प्राचीन यूनान एवं रोम की क्लासिकल संस्कृति में व्याप्त जीवन के प्रति सकारात्मक अभिरुचि के दृष्टिकोण से प्रेरणा ग्रहण की। इटली के पेट्रार्क 1307 से 1374 को मानववाद का प्रणेता माना जाता है। इसके बाद इटली एवं यूरोप के अन्य देशों में अनेक मानववादी विचारक हुए जिन्होंने कला एवं साहित्य के प्रतीकों में अपनी मनोभावनाओं को व्यक्त किया। दूसरा बिंदु है बुद्धिवाद। मध्यकाल में धर्म का ऐसा आतंक था कि चर्च एवं पादरियों के प्रति लोगों को अटूट श्रद्धा रखनी पड़ती थी। उनके द्वारा प्रतिपादित जीवन शैली को ही लोगों को सत्य मानना पड़ता था। पुनर्जागरण युग में अनेक विचारकों ने श्रद्धा एवं विश्वास की विमूढ़कारी प्रवृत्तियों का विरोध किया और यह विचार प्रस्तुत किया कि किसी भी बात को स्वीकारने से पहले मनुष्य को अपनी बुद्धि या विवेक के प्रयोग से उसका परीक्षण कर लेना चाहिए। बुद्धिवाद के प्रवर्तकों ने टॉमस 1224 से 1274 एवं रोजर बेकन 1214 से 1294 के नाम उल्लेखनीय हैं। तीसरा बिंदु है वैज्ञानिक मनस्थिति। वैज्ञानिक मनस्थिति का अर्थ है भौतिक विश्व जिसमें मनुष्य का शरीर भी शामिल है के किसी भी नियम के प्रक्षेपण एवं प्रयोग से सिद्ध होने पर ही सत्य स्वीकार करना। वैज्ञानिक चेतना के प्रवर्तकों में फ्रांसीसी बेकन 1561 से 1626 का नाम उल्लेखनीय है। वैज्ञानिक चेतना के विकास के कारण पुनर्जागरण युग में विज्ञान के क्षेत्र में बड़ी बड़ी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। चौथा बिंदु आधारभूत आर्थिक परिवर्तन, इसमें है सामंतवाद का हास या सामंतवाद का पतन। मध्यकालीन यूरोप का आर्थिक जीवन सामंती मेयर प्रणाली के अंतर्गत कृषि के सामान्य उत्पादन पर आधारित था,
जिसमें क्षेत्रीय आवश्यकताओं की लगभग सभी वस्तुओं की पूर्ति हो जाती थी। वस्तु विनिमय का प्रचलन था एवं व्यापार बहुत कम था। यूरोप में व्यापारिक समृद्धि, उद्योग धंधों के विकास एवं मुद्राओं के प्रचलन ने मेनोरियल सामंती व्यवस्था एवं दास प्रथा की जड़ें हिला दी। पांचवा बिंदु है आधारभूत सामाजिक परिवर्तन, कस्बों एवं नगरों का उदय। यूरोप में व्यापारिक एवं वाणिज्यिक प्रगति के कारण बड़े बड़े कस्बों एवं नगरों का उदय हुआ, जो सामाजिक जीवन के नवीन केंद्र बन गए। अब सामाजिक हलचल का केंद्र मेनर यानी कृषि फार्म या सामंत का किला या विषप का महल नहीं रहा। इन नगरों ने पुनर्जागरण युग के लेखकों एवं कलाकारों को संरक्षण प्रदान किया। छठा बिंदु है आधारभूत राजनीतिक परिवर्तन, इसके अंतर्गत है बड़े राज्यों का उदय। पुनर्जागरण युग में नवीन आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तनों के कारण विशुद्ध एवं कुशल प्रशासन तंत्र पर आधारित बड़े राज्यों का उदय हुआ। सातवां है आधारभूत सांस्कृतिक परिवर्तन, मानववादी कला एवं साहित्य। पुनर्जागरण युग अपूर्व सांस्कृतिक हलचल का युग था। इस काल की सांस्कृतिक गतिविधियों में पुनर्जागरण की आंतरिक भावना का बड़ा सशक्त एवं प्रभावशाली प्रस्तुतिकरण हुआ। कला एवं साहित्य की मध्यकालीन शैलियों में आधारभूत परिवर्तन हो गए। मानववाद की भावना से ओतप्रोत साहित्यिक एवं कलात्मक कृतियों का विपुल सर्जन हुआ, जिसमें जीवन के सहज नैसर्गिक सौंदर्य एवं उल्लास की अभिव्यक्ति हुई। आज के व्याख्यान में इतना ही, आगे के व्याख्यान में बताया जाएगा।